नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में, और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज इस वीडियो में हम जो है ऑस्कर अवार्ड, जो 95th ऑस्कर अवार्ड है, उसको डिस्कस करेंगे। 95th जो अवार्ड है हमारा, वो इंडिया के लिए क्यों स्पेशल है, क्योंकि इंडिया ने इसमें जो है हमारे दो अवार्ड जीते हैं, जो कि काफी टाइम के बाद और बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड जीते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है खुद में ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की कि इसका इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, पहली बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो कब दिया गया आपका, 1929 में। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना कि पहली ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी कब हुई थी, 1929 में हुई थी। और ऑस्कर अवार्ड का जो दूसरा नाम है, ऑस्कर अवार्ड को हम अकादमिक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि ऑस्कर अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है, ये अमेरिका में। ये अवार्ड आपका कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए अकादमी अवार्ड का पहला रेडियो प्रसारण कब किया गया था, तो यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि अकादमी अवार्ड का जो पहला प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था, रेडियो प्रसारण, सॉरी रेडियो प्रसारण कब हुआ था। तो रेडियो प्रसारण की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1929 में, 1930 में, 1931 या 1932 में। 1929 में तो ये पहली बार आपकी अकादमी अवार्ड की सेरेमनी हुई थी। और अगर हम बात करेंगे पहले रेडियो प्रसारण की, तो इसका पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है इसमें सही रहने वाला है कि इसका जो पहला रेडियो प्रसारण हुआ वो कब हुआ, 1930 में। ठीक है, इसलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो देखिए अकादमी अवार्ड का पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था। तो आपके पास यहाँ पे फिर से ऑप्शन है, 1951 है, 1952 है, 1953 है, 1954 है। तो अगर हम बात करेंगे अकादमी अवार्ड के टीवी प्रसारण की, तो वो कब हुआ था आपका, 1953 में। मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो देखिए 12 मार्च 2023 को लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये देखिएगा, अगर हम बात करेंगे लॉस एंजलिस में जो आपका ये अवार्ड हुआ 2023 का, जिसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे भारत का प्रदर्शन रहा है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे कौन सा रहा है ये, तो ये 95th अवार्ड है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, 1929 से लेकर के अब तक जो है ये 95वां जो है क्या है, ऑस्कर अवार्ड इस साल हुआ है 2023 में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्कर अवार्ड की मेजबानी करने वाले व्यक्ति 2023 में कौन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड की मेजबानी किस व्यक्ति ने करी है, तो यहाँ पे जो आपके आंसर रहने वाला है, यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिमी कैमरल। ठीक है, तो ये आपके जो है सही आंसर रहने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर रहा वो क्या रहा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही आंसर रहा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए छठा क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की सुपरहिट फिल्म RRR का शानदार गाना नाटू नाटू ने कौन से खिताब हाल ही में जो है जीता है, ऑस्कर अवार्ड जीता है इसने नाटू नाटू सॉन्ग ने। अब ये किस कैटेगरी में जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। अगर हम बात करेंगे इसके फील्ड की, किस फील्ड में जीता है, तो ये देखिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस कैटेगरी में इसको जो है ये पुरस्कार मिला है। तो कौन सा सॉन्ग है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है आपका, जो नाटू नाटू सॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, सातवां प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है। अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये भी किसने जीती है, भारत को ही ये जो है सम्मान प्राप्त हुआ है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मिली है, इसका जो अवार्ड है वो भी भारत को मिला है। और ये आपकी फिल्म कौन सी है, तो फिल्म है आपकी द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो कौन है, तो इसकी जो डायरेक्टर है वो कौन है, कीर्ति। ठीक है, कीर्ति इसकी डायरेक्टर है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, आठवां प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक नामांकित की जाने वाली ऑस्कर फिल्म का नाम बताइए।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अवतार, द व्हेल या एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यह जो अवार्ड मिला है, मतलब अवार्ड नहीं है, नामांकित होने वाली सबसे ज्यादा फिल्म जो है आपकी वो कौन सी है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका जो है सही आंसर रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सबसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये 9th क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, तो इसको ये जो है पुरस्कार मिला है। और ये कौन सी भाषा में है, ये है आपका जर्मनी भाषा में, ध्यान रखेंगे इस बात का, किस भाषा में, जर्मनी भाषा में है। तो यहाँ पे ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, देखिए बेस्ट साउंड अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी रही है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट साउंड जो मूवी है, बेस्ट साउंड के लिए बेस्ट साउंड का जो पुरस्कार मिला है वो किस मूवी को मिला है, तो यहाँ पे जो है आपकी कौन सी मूवी रहने वाली है, टॉप गन मैवरिक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे भी जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर रहने वाला है। ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपके ऑस्कर अवार्ड से हमने छांटे थे। इसके अलावा जो बाकी इसके पार्ट रहेंगे वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वीडियो, अगर हमारी वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इस चैनल पर मिलती रहेंगी जीके से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।